तो दोस्तों इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द यामा कंपनी बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। यामा कंपनी पहली बार कम बजट के साथ अपनी नई बाइक को लॉन्च करेगी जिसका नाम यामा MT125 रखा जाएगा और यह बाइक 125 सीसी सेगमेंट के इंजन के साथ मार्केट में आएगी। यामा कंपनी के आने वाली यह बाइक अपने अट्रैक्टिव लुक, एडवांस फीचर्स और पावरफुल इंजन के साथ मार्केट में अवेलेबल बजाज पल्सर 125, होंडा एसपी 125 और टीवीएस रेडर 125 जैसी बाइकों को काफी कड़ी टक्कर देने वाली है। तो आज के इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोगों को इसी अपकमिंग बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं कि इस बाइक को कब तक हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसकी माइलेज, टॉप स्पीड और इसकी ऑन रोड प्राइस की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यामा MT125 बाइक में आपको 124.7 सीसी का पावरफुल इंजन दिया जाएगा। यह इंजन 6 मैनुअल गियरबॉक्स सेटअप के साथ आएगी जो आपको 9000 आरपीएम पर 14.5 पीएस की पावर और 6000 आरपीएम पर 12.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। यह इंजन के साथ इस बाइक में सेल्फ स्टार्ट और स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा। दोस्तों माइलेज के मामले में यामा कंपनी की यह बाइक 125 सीसी सेगमेंट के इंजन के साथ मार्केट में अवेलेबल दूसरी बाइकों को काफी कड़ी टक्कर दे सकती है। यामा कंपनी की इस बाइक में अवेलेबल 124.7 सीसी का इंजन आपको अच्छा माइलेज और शानदार परफॉर्मेंस देता है। इस इंजन के साथ इस बाइक का वजन 140 किलोग्राम के आसपास होता है और इस बाइक में आपको 1 लीटर पेट्रोल डालने पर यह बाइक आपको 60 kmpl का माइलेज दे सकती है। इस बाइक में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो इस बाइक में आपको LED DRL के साथ ऑल LED लाइटिंग सेटअप, फुल डिजिटल मेटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्लीपर असिस्ट क्लच, राइडिंग मोड, USB चार्जिंग पोर्ट और साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर जैसे काफी सारे एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं। बाइक की ब्रेक और सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो इस बाइक के फ्रंट पे आपको ESD सस्पेंशन और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिलेगा। वहीं बाइक पे आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ साथ सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम का सेफ्टी फीचर्स भी दिया जाएगा। इस बाइक की प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो यामा कंपनी के आने वाले यामा MT125 बाइक अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है और उम्मीद की जा रही है कि यामा कंपनी इस बाइक को इस साल के एंड तक हमारे इंडियन टू-व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर सकती है। यामा MT125 बाइक की कीमत के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो उम्मीद की जा रही है कि इस बाइक की शुरुआती कीमत आपको मार्केट में 1,20,000 रुपये के आसपास में देखने को मिल जाएगी। तो इस बाइक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाइक से रिलेटेड ऐसी नई नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।